भीषण गर्मी में राजस्थान के कई शहरों में हो रही पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। इस मुद्दे पर कुछ जगहों पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी कुछ तस्वीरें भरतपुर से भी सामने आईं, जहां एक इलाके के लोग नलों में पानी नहीं आने से इतना परेशान हो गए कि उनकी आवाज घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर जलदाय विभाग के दफ्तर में गूंजने लगी। पानी के मुद्दे पर उन लोगों का मिजाज इतना गर्म हो गया कि वहां मौजूद एक अफसर से हो रही बातचीत कब हंगामे में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। 3 महीने हो गए लॉकडाउन के बाद मैंने मदद की। लोगों का आरोप है कि उन्हें गुजारे लायक पानी भी नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे ही हालात सवाई माधोपुर में भी बन गए, जब जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर कुछ लोग धरना देने बैठ गए। उन्होंने इतनी भीषण गर्मी में पानी की पूर्ति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए जमकर नारे लगाए। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने अपनी मांग भी सबके सामने रखी। रोज इन्हें टैंकर आना चाहिए और जनता को पानी की पूर्ति होनी चाहिए। दौसा में भी कुछ लोग उनके इलाके में पानी की सप्लाई नहीं होने पर पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने वहां काफी देर तक हंगामा किया। लाख समझाने के बाद भी वो लोग नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। बताया गया कि जब उन्हें प्रशासन से पानी की समस्या को दूर करने का भरोसा मिला तब जाकर वो शांत हुए। सौबात की एक बात यह कि राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में जमीन के नीचे का पानी लगातार सूख रहा है, जिसकी वजह से वहां हर साल ट्यूबवेल भी गर्मियों में सूख जाते हैं। और इस बार कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से गांवों और शहरों में ट्यूबवेल की गहराई भी नहीं बढ़ाई गई, इसलिए पानी का संकट गहरा गया, जिसमें कुदरत का खेल भी लोगों पर भारी पड़ा। क्योंकि राजस्थान में मॉनसून अब तक आया नहीं और जून के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उसका आधा पानी भी नहीं बरसा।